नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के पुत्र रामविलास चौहान को मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाया है। वहीं रामविलास चौहान जब अपना नामांकन करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया ने जब रामविलास चौहान से मऊ के एसपी का नाम पूछा तो रामविलास चौहान को मऊ के एसपी का नाम नहीं पता। रामविलास चौहान ने कहा, जो भी विधायक की कुर्सी पर बैठेगा वही एसपी होगा, मुझे एसपी का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। बताते चले कि परिवार एवं वंशवाद की राजनीति नहीं करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के राज्यपाल के लड़के रामविलास चौहान को मधुबन विधानसभा से टिकट दिया है। जमीनी धरातल से गायब रहने वाले और अपने अकड़ के साथ हमेशा घमंड में रहने वाले रामविलास चौहान के मधुबन विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से भाजपा में विरोध चल रहा है। वहीं भाजपा के कई मंडल अध्यक्ष सहित बूथ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रामविलास के प्रत्याशी बनाए जाने के बॉस इस्तीफा दे दिया है। वहीं मऊ जिले के एसपी और डीएम का नाम नहीं जानने वाले रामविलास क्या चुनाव जीत पाएंगे, ये अभी संशय बना हुआ है। सैकड़ों लोग आपकी वजह से इस्तीफा दे दिए हैं पार्टी में, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये ऑथेंटिक रिपोर्टें नहीं है जी। मऊ के एसपी का नाम क्या है, पता है आपको? मऊ के एसपी का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा वही एसपी। आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या कहेंगे? हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, आप इसकी जांच। क्या वजह है? गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट से चार्जशीट आप हैं, ऐसे सूचना आई है। कौन कह रहा था कि गाजियाबाद की सीबीआई से हम चार्जशीट हैं जी? कौन कह रहा है? आप पे आरोप लगा हुआ है।